गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पावर वायरिंग के सेकंड न्यूमेरिकल का आज मैं चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। काफ़ी बड़ा होता जा रहा है न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट तो आपको जानना जरूरी है। हर स्टेप की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमने तीन मोटर लिया है, इसलिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल टू पार्ट फोर। यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं लेंथ ऑफ कंड्यूट एंड केबल, कितनी कंड्यूट का यूज हमने किया है, कितने केबल का। इसके लिए जिस प्रकार से मैंने एक मोटर का इंस्टॉलेशन किया था, उसमें मैंने बताया था कि तीन वायरिंग पार्ट होते हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं लगा है तो तीन वायरिंग पार्ट होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है तो चार वायरिंग पार्ट होंगे। लेकिन जितने मोटर हैं, मशीन हैं, उनके लिए तीन तीन वायरिंग पार्ट होते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। यहाँ पर तीन मशीन हैं तो नौ वायरिंग पार्ट इसके होंगे और एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं सीरियल नंबर, वायरिंग पार्ट, नंबर ऑफ वायर, टाइप ऑफ कंड्यूट, साइज ऑफ कंड्यूट, लेंथ ऑफ कंड्यूट एंड लेंथ ऑफ द वायर एंड साइज। सबसे पहले हम आते हैं मेन स्विच टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये पहला वायरिंग खंड है। मैंने बोला कि जो बोर्ड एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, वहाँ पर फ्लेक्सिबल केबल कंड्यूट का यूज किया जाता है, और इसको 0.25 से लेकर 0.5 मीटर तक कंसीडर किया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड है। तो यहाँ मेन स्विच टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में तीन वायर आए हैं फ्लेक्सिबल केबल के माध्यम से, क्योंकि दूरी बहुत कम है और तीन वायर हैं तो 19 mm का कंड्यूट लगेगा। मैंने आपको बोला था 3 से 4 केबल के लिए 19 mm का कंड्यूट लगेगा। इसकी दूरी 0.25 मीटर मैंने लिया है, मैक्सिमम 0.5 भी लिया जा सकता है। तो जब 0.25 मीटर कंड्यूट है और उसमें तीन वायर हैं, तीन का गुणा करके हमें 6 mm स्क्वायर का यहाँ केबल यूज हुआ है, जो मेन केबल है उसका लेंथ निकाल दिए। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को 10 HP मोटर के स्विच तक हम पहुंचते हैं, तीन तार गए हैं, लेकिन ये काफ़ी दूरी है। रिजिड कंड्यूट हमने लगाया है 19 mm का, 2.5 मीटर दूरी है। आप फिगर से देख सकते हैं, क्योंकि फिगर यहाँ पर बनाएगी तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिगर मैंने जो पिछले लेक्चर में ड्रा किया उसको देख लीजिए। इसी प्रकार से इसका क्लियर हुआ। इसी प्रकार से मोटर स्विच टू स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर यहाँ इसलिए लगाए हैं क्योंकि 10 HP का मोटर था और 10 HP के मोटर में 5 HP से अधिक वाले रेटिंग के मोटरों में स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। स्टार डेल्टा के स्टार्टर में एक चीज़ ध्यान देने की बात यह है कि स्टार्टर टू मोटर टर्मिनल के बीच स्टार्टर है, स्टार्टर टू मोटर टर्मिनल के बीच 6 वायर जाते हैं, 6 वायर जाते हैं, क्योंकि 3 स्टार का 3 डेल्टा का। यहाँ 6 मैंने दिखाया है रिजिड कंड्यूट के लिए, जो कि 4.5 मीटर है, क्योंकि 1.5 मीटर स्विच की ऊंचाई और 3 मीटर की दीवार से 3 मीटर की दूरी पर मशीन लगा हुआ है 10 HP का मोटर, इसलिए यहाँ 4.5 लिए हैं। फिगर में आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ केबल की साइज हम निकालते चले गए, बाकी सारी केबल 2.5 mm स्क्वायर की यूज हुई है। लास्ट तक हम पहुँच गए चौथा वायरिंग, एक चौथा पार्ट के लिए DB2 5 kVA मशीन जो हमने लगाया है, उसके लिए हमने 12.5 मीटर लेंथ लिया है, जैसा कि उस फिगर में इंडिकेट किया गया है, और इसमें जितने वायर हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करके हम केबल का लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि केबल की साइज ऑलरेडी हम पहले से ज्ञात कर चुके हैं। अब इतना सारा चीज़ें टेबल में क्लियर होने के बाद, एक ही चीज़ आपका उस फिगर से मैंने निकाला है, जो फिगर मैंने सिंगल लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, आप चाहे तो सिंगल लाइन डायग्राम से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्लियर आप सिंगल लाइन डायग्राम से देख सकते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम इसको देखकर आपको समझना है। फिर भी यदि कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ कंड्यूट, दो टाइप के कंड्यूट यूज किए गए हैं, एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल। उसमें भी दो टाइप के कंड्यूट यूज किए गए हैं, एक 19 mm का और एक 25 mm का। देखिए 19 mm में रिजिड, इससे मैंने कैलकुलेट करके निकाला 29.5 मीटर आया, और 19 mm में फ्लेक्सिबल 3.15 मीटर आया। इसी प्रकार से 25 mm में रिजिड और फ्लेक्सिबल का मैंने लेंथ निकाल लिया है।
अब हम यहाँ पर टोटल कंड्यूट लेंथ अगर निकालेंगे तो इन सारों को जोड़ देंगे, जब ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे तो टोटल लेंथ आएगा 39.18 मीटर। इसमें 10% हमने एक्स्ट्रा भी लगाया है कंड्यूट का, कहीं कटा फिटा उसके लिए 10% एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। टोटल लेंथ आ गया 40 मीटर, 10% अतिरिक्त लेकर। उसके बाद आपको बताते हैं कि जितने आपके मोटर के बोर्ड लगे हैं सारे के सारे आयरन क्लैड होते हैं, हर एक को कम से कम दो दो जगह से हमें अर्थिंग देना होता है। तो इसलिए जितना कंड्यूट का लेंथ होगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल अर्थिंग वायर आ जाएगा। अर्थिंग वायर आपको मैंने बताया था कि 8SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज या 10SWG का यूज कर सकते हैं। हमने लिखा है लेंथ ऑफ, यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ 8SWG न्यूट्रल ऑब्लिक अर्थ वायर, जो मैंने डैश लाइन में उसमें दिखा है आपको डॉटेड लाइन में फिगर में, वो हमारा न्यूट्रल वायर यानी अर्थ वायर है। इक्वल टू क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट इनटू 2। टोटल लेंथ ऑफ दी कंड्यूट हमारा 40 मीटर आया है, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ दी 8SWG वायर का मिल गया जो कि 80 मीटर है। तो यहाँ पर हमने देखा इन चार पार्ट में हमने कंड्यूट का पूरा लेंथ निकाल लिया, कंड्यूट की साइज निकाल लिया, केबल का लेंथ निकाल लिया, मेन स्विच बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सबका साइज हमने निकाल लिया। अब सारे मटेरियल हमें यहाँ पर मिल गए हैं, कौन से मटेरियल किस साइज के हैं, कौन से मटेरियल कितना लगने हैं, वो सारा चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगला लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा पावर वायरिंग से संबंधित पार्ट 5 में, जिसमें हम आपको बताएंगे कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। कास्टिंग ऑफ मटेरियल इसका कंप्लीट होने के बाद पावर वायरिंग यहीं पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा सब स्टेशन, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे कुछ MCQ ही हम आपको भेजेंगे और उसके कम से कम सारे जितने आइडिया हैं जितने कॉन्सेप्ट है आपको बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक धन्यवाद।